राजधानी के कुछ इलाकों में बुधवार सुबह झमाझम वर्षा देखने को मिली। इससे उमस और गर्मी की चुभन भी कम हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे आ गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बृहस्पतिवार को भी कुछ इलाकों में मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार आधी रात के बाद से ही बादल छाने लगे थे। सुबह कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। ज्यादा बरसात सुबह 8 बजे तक की हुई। इसके बाद कुछ जगह हल्की धूप भी निकल आई। वर्षा और बादल के कारण तापमान में कमी आई। सफदरजंग में बुधवार अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 100 से 80% तक रहा। वर्षा 37.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कई जगह बूंदाबांदी ही हुई, जबकि मयूर विहार में भारी बरसात दर्ज की गई है। मयूर विहार में सुबह 5:30 से 8:30 बजे के बीच 111 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। मुंगेशपुर में भी 53.5 मिलीमीटर बरसात हुई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मानसून सीजन की 73% वर्षा 2 माह से भी कम समय में हो गई है। सीजन की सामान्य वर्षा 247.8 मिलीमीटर है, जबकि अभी तक हो चुकी है 470.3 मिलीमीटर वर्षा। इसी तरह जुलाई में 2 दिन 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा भी दर्ज की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।